Good morning, everyone. In previous class, we completed our first chapter of organic chemistry. That was haloalkane and haloarene. उसको अपन ने complete कर लिया. तो I hope कि आप उसके exercise जो है वो भी जल्दी से complete करेंगे. NCERT के questions जो है in text के और exercise के, है ना. तो आप complete करें, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उस questions को discuss करेंगे. NCERT के जो आपके exercise है, जो एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे. बट पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी. अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो अगर जो भी डाउट होंगे उस डाउट को अपन क्लियर करेंगे क्लास. ओके, अपना नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, यानी कि यू कह सकते हैं दैट सेकंड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. Alcohol, phenol and ether. ये अपने पास सेकेंड चैप्टर है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या यूं कह सकते हैं दैट 11th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी का 11th चैप्टर कह दीजिए चाहे सेकेंड चैप्टर कह दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. फर्स्ट कौन सा था, हेलो एल्केन और हेलोरिन. सेकेंड अपने पास कौन सा है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर. आइए बात करते हैं इसके बारे में. सबसे पहले अपन देख लेते हैं अल्कोहल एंड ईथर के बारे में. अल्कोहल एंड ईथर के बारे में, नहीं फिनोल भी साथ ही में देखेंगे, बट अल्कोहल और ईथर के बारे पहले बात करते हैं कि अल्कोहल और ईथर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल और ईथर, इसका क्या रहता है, सेम रहता. सर क्या होता है, एल्कोहल हो चाहे ईथर हो, दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो वो आपके पास क्या रहता है, CnH2n+2O. CnH2n+2O, where n equals to number of कार्बन एटम्स, n equals to number of कार्बन एटम्स. एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो सर कब अल्कोहल होगा कब ईथर होगा कैसे पता चलेगा, तो देखिएगा कि कैसे पता चलेगा कि व्हेन इट इज अल्कोहल और व्हेन इट इज ईथर. आपको पता है दैट ऑक्सीजन इज अ बायवेलेंट एलिमेंट. ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है आपके पास. यहाँ पे जो ये आर लिखूंगा मैं, आर इज अल्काइल ग्रुप, मीन्स इट कैन बी CH3, it can be C2S5, it can be C3H7. ये आपके पास alkyl group होगा, R जो है यहाँ पे ना, R क्या रहेगा, alkyl group. तो if both the valency of oxygen, oxygen की दोनों valency पे अगर आपके पास alkyl group हो, means R and R, then it is known as ether. तो उसको अपन क्या कहेंगे, ether कहेंगे. ऑक्सीजन की दो वैलेंसी है, ऑक्सीजन इज बायवेलेंट एलिमेंट, है ना. और एक वैलेंसी पे आपके पास हाइड्रोजन, और सेकंड वैलेंसी पे अगर आपके पास अल्कोहल ग्रुप हो, देन इट इज सॉरी सेकंड पे अल्काइल ग्रुप हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अल्कोहल. तो ये आपके पास ईथर है, वो आपके पास क्या है, अल्कोहल. आर आपके पास क्या होगा, अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप मीन CH3, C2S5, C3H7, C4H9, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करेगा. तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज CnH2n+2O, where n equals to number of carbon atoms. कैसे identify करेंगे that which one is alcohol or which one is ether? अगर दोनों valency oxygen की occupied हो किससे या satisfied हो किससे, alkyl group से, then it is known as ether. And अगर एक valency पे आपके पास hydrogen हो और एक valency पे आपके पास alkyl group हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, alcohol. और आपको शायद ये भी पता होगा कि both the ether and alcohol are functional group isomers. Both the alcohol and ether are functional group isomer. Okay, sir, meaning क्या होता है functional group isomer? Means उसका molecular formula same हो, molecular weight same हो, but functional group different हो. यहाँ पे आपके पास OH functional group आ रहा है, means ये क्या हो गया आपके पास alcohol. और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, ईथर. तो
फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, बट द फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहेंगे. तो बोथ द अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. तो अल्कोहल क्या होता है, ईथर क्या होता है ना, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन और एक वैलेंसी पे अल्काइल ग्रुप हो तो उसको अपन कहेंगे अल्कोहल. ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही हो अल्काइल ग्रुप से तो उसको अपन क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे. ओके, तो देखिएगा आगे एक दो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं ना. If n equals to 2, अगर n आपके पास 2 है, if n equals to 2, n equals to 2 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, C2H6O, C2H6O, it is a general formula, है ना, alcohol और ether दोनों का general formula है. And कब alcohol होगा कब ether होगा, देखो कि आपके पास आ गया CH3CH2OH, ये क्या हो जाएगा अपने पास अल्कोहल, CH3CH2OH. ऑक्सीजन की एक वैलेंसी पे अल्काइल ग्रुप, दूसरी वैलेंसी पे अपने पास क्या है, हाइड्रोजन. तो ये क्या हो गया आपके पास, अल्कोहल. ईथर की बात करें तो CH3OCH3, इट इज ईथर बिकॉज दोनों वैलेंसी पे आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप. दोनों वैलेंसी पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, तो ये अपने पास क्या होगा, ईथर, और ये अपने पास क्या होगा, अल्कोहल. ये अल्कोहल और वो आपके पास क्या होगा, ईथर. ओके, तो ये ध्यान में रखना है अल्कोहल और ईथर क्यों लिया है पहले, बिकॉज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है. ओके, आइए आगे चलते हैं. चैप्टर है अपना अल्कोहल फिनोल ईथर, है ना. तो देखो आपके पास कोई भी एल्केन है, एल्केन. ओके, एल्केन यानी कि आपके पास क्या आ गया, आर एच. एल्केन में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अगर आप OH ग्रुप से, देन इट इज नॉन एज एल्कोहल, दैट इट इज नॉन एज एल्कोहल. एल्केन था, आर एच था, आर एच इज एल्केन. एल्केन में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हो किससे, OH से, OH ग्रुप से, then it is known as alcohol. Okay. आपके पास बेंजीन है, बेंजीन मतलब C6H6, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है ना, इसका हाइड्रोजन बाहर दिख रहे हैं अभी, C6H6, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन 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 कार्बन, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दोगे अगर किससे, आप OH ग्रुप से, तो उसको अपन क्या कह देंगे, फिनोल. इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दोगे OH ग्रुप से, देन इट इज नॉन एज फिनोल. इसको अपन क्या कहेंगे, फिनोल कहेंगे. ओके, फिर अपने पास अगर बात करें ईथर की, तो वही है अगर आपके पास एल्केन है, एल्केन का सब्स्टिट्यूशन, एल्केन में जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो अगर OR से, उसको अपन क्या कह देंगे, ईथर. एल्केन में जो हाइड्रोजन है RH, एल्केन, एल्केन के हाइड्रोजन का अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं किससे, अल्कोक्सी ग्रुप से, OR ग्रुप से, तो उसको अपन क्या कह देंगे, ईथर कह देंगे. तो इस चैप्टर में अपने को किसके बारे में डिस्कस करना है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर, है ना. पहले अपन जो है वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में. पहले डिस्कस करेंगे अल्कोहल और फिनोल के बारे में, उसके बाद अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ईथर के बारे में. बिकॉज इन दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या रहती है, सिमिलर रहती है, बिकॉज इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, बोथ द एल्केन, सॉरी अल्कोहल एंड फिनोल शो सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, तो इसके कारण से इसको अपन साथ में ही डिस्कस करें. ओके, आइए देखते हैं, आगे चलते हैं. क्लासिफिकेशन, सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन, जैसे अपन ने अल्काइल हैलाइड में देखा है ना, हैलोवेरिन में देखा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
उसके बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन करा, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो वहां पे दो टाइप के आपके पास अल्कोहल मिलेंगे या फिनॉल, अल्कोहल ही मिलेंगे ना, फिनॉल तो कैसे मिलेंगे। तो उसमें आपके पास क्या होगा, दो टाइप के कैसे कि भैया, एक तो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, और एक अपने पास क्या आ जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, ऑफ द कार्बन बाय विच OH ग्रुप इज बॉन्ड, OH ग्रुप इज बॉन्डेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन बाय विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड, जिससे OH ग्रुप बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। उसमें भी आपके पास फर्स्ट क्या आएगा, इफ OH ग्रुप इज बॉन्डेड विथ, बॉन्डेड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही आ गया, CH3, CH2, CH2OH, इट इज नोन एज 1 डिग्री एल्कोहल, और इसको अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्कोहल, बिकॉज OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड, OH ग्रुप, ये OH ग्रुप जो है जिस कार्बन से बॉन्डेड है, वो उसकी एक वैलेंसी इस कार्बन से सेटिस्फाइड हो रही, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी कौन सी, sp3। कि सर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 कैसे, मैंने कहा देखो एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, कितने हो गए 2, और 2 ही यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मीन्स इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बच्चों, 4 सिग्मा बॉन्ड साथ में, और 4 सिग्मा बॉन्ड जब भी हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा अपने पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp3। ये क्या हो गया आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल। फिर देखें CH3, CH2, CH, CH3, OH। अब जो OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है, जैसे ये वाला कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कि सर कैसे पता चला आपको, 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड तो ये रहे, एक बॉन्ड किसके साथ फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए आपके पास, 4। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ना, और इसको क्या कहेंगे, ये कार्बन जो है वो उसकी दो वैलेंसी, एक इस कार्बन से सेटिस्फाइड हो रही है, एक इस कार्बन से सेटिस्फाइड हो रही है, उसको अपन क्या कहेंगे, 2 डिग्री, या अपन इसको क्या कह देंगे, सेकेंड, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज ये कार्बन ओनली 1 कार्बन एटम से बॉन्डेड था, इसको 2 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज ये कार्बन 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड था, तो उसको अपन क्या कहेंगे, 2 डिग्री। नेक्स्ट CH3, CH3OH, दिस एल्कोहल इज नोन एज 3 डिग्री एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। सिग्मा बॉन्ड इजीली देख सकते हो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, कि सर ये सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने आपको बता रखा है दैट वन सिंगल बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1 सिग्मा बॉन्ड,
वन सिंगल बॉन्ड इज इक्वल्स टू वन सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितने हैं, वन टू थ्री फोर। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी कितने होंगे आपके पास, वन टू थ्री फोर, फोर सिग्मा बॉन्ड है। तो ये आपके पास क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी इसकी, और 3 डिग्री ये क्या होगा आपके पास, अल्कोहल होगा। आइए आगे चलते हैं। बात अपन कर रहे थे किसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो देखिएगा ये भी एक एग्जांपल आ जाता है, ये बेंजीन रिंग, ये CH2 और ये OH है ना, ऐसे नहीं थे। ये बेंजीन रिंग हो गया आपके पास, हाँ ये CH2OH ना, बेंजाइलिक अल्कोहल कह देते हैं इसको। कौन सा अल्कोहल कह देते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। इसमें भी जो OH ग्रुप है वो किससे बॉन्डेड है, ये जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ये भी आपके पास क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड क्लासिफिकेशन, इफ ओ एच ग्रुप इज बॉन्डेड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनेट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, उसमें क्या आएगा अपने पास, जैसे ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको अपन क्या कहते हैं, विनाइलिक, विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। जो पहले वाला क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसमें एक एग्जांपल और आ जाता है, कौन सा आपके पास, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH है ना, इसको अपन क्या कहेंगे, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। इसको अपन क्या कहेंगे, विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल क्यों कहते, देखो आपके पास ये दो कार्बन आइटम है, दोनों के बीच में कौन सा है, डबल बॉन्ड। आपके पास अगर ये कंडीशन आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज नोन एज एथीन। इसको अपन क्या कहेंगे, एथीन कहेंगे। इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, उसको अपन क्या कहते हैं, विनाइल कहेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, विनाइलिक अल्कोहल। ऐसी कंडीशन आ जाती है, इसमें देखिएगा जो OH ग्रुप है वो sp3, ये जो आपके पास कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो इससे अगर बॉन्डेड हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, एलाइलिक। यानी कि अगर OH ग्रुप उस कार्बन से बॉन्डेड हो जिसके एक कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, एलाइलिक अल्कोहल। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, विनाइल। यहां देखिएगा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, उससे नेक्स्ट कार्बन एटम पे आपके पास कौन बॉन्डेड है, OH ग्रुप, तो उसको कहेंगे एलाइलिक। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे बॉन्ड आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे, विनाइलिक। ओके, एक तो अपने पास आ गया एलाइलिक और एक अपने पास कौन सा आ गया, विनाइलिक। अगर और बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, फिनॉल आ जाता है, ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास OH, इट इज नोन एज फिनॉल। बिकॉज ये जो कार्बन एटम है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहता है, sp2। तो ये sp2 वाले और sp3 वाले एग्जांपल हो गए। sp3 में देखें तो अपने पास कौन कौन से थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजाइलिक और एलाइलिक है ना। एलाइलिक का मीन्स क्या हुआ, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन एटम्स हैं उससे एक कार्बन एटम छोड़ के OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो आपके पास एलाइलिक हो। विनाइलिक क्या होता है, इफ OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम देन इट इज नोन एज विनाइलिक अल्कोहल।
और ये आपके पास क्या होता है, फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ओ एच ग्रुप बॉन्डेड हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम बाय विच ओ एच ग्रुप इज बॉन्डेड। जिससे ओ एच ग्रुप बॉन्डेड है उसके उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे ये क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप के बेसिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप, नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप। देखिएगा जैसे ये फर्स्ट आ गया जो अपने सिलेबस में है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच। ओके सेकेंड आपके पास सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच, और थर्ड अपने पास क्या रहता है, सी एच थ्री सॉरी सी एच टू सी एच टू ओ एच ओ एच एंड ओ एच, है ना। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप कितने रहते हैं, अपन यहाँ कितने रहते हैं अपने टू, और यहाँ अपने पास कितने रहते हैं थ्री, है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, इफ नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप इज वन उसको अपन कह देते हैं दैट एल्कोहल, इट इज नोन एज एल्कोहल, है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोल, क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोल। और इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इफ वन ओ एच ग्रुप इज प्रेजेंट देन इट इज नोन एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, टू ओ एच ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन इट इज नोन एज डाईहाइड्रिक एल्कोहल, थ्री ओ एच ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन इट इज नोन एज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अदरवाइज वी कैन से दैट एल्कोहल, ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल। ऐसे ही फिनॉल के अभी देखते हैं अपन, है ना। अगर आपके पास एक ओ एच ग्रुप प्रेजेंट हो इसको अपन ने क्या कह दिया, फिनॉल, ठीक है ना। अगर आपके पास ये टू ओ एच ग्रुप प्रेजेंट और दोनों ओ एच ग्रुप एक दूसरे के ओर को पोजिशन करो, ये ओ एच और एक यहाँ पे, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं कैटेकॉल, क्या कहते हैं, कैटेकॉल। अगर आपके पास ऐसे प्रेजेंट हो ये ओ एच ग्रुप, एक ओ एच ग्रुप यहाँ पर एक ओ एच ग्रुप यहाँ पर, उसको अपन कहते हैं रिसोर्सिनॉल, कैटेकॉल रिसोर्सिनॉल। और उसके बाद ये जो आपके पास आता है कंपाउंड इसको कहते हैं हाइड्रोक्विनोन, इट इज नोन एज हाइड्रोक्विनोन। ये मोनोहाइड्रोक्सीफिनॉल, यहाँ पे एक ओ एच ग्रुप है, ये डाई वाले हैं जिसमें दो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इट इज नोन एज कैटेकॉल, इट इज नोन एज रिसोर्सिनॉल एंड इट इज नोन एज हाइड्रोक्विनॉल। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड हाइड्रोक्विनॉल, नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप के बेसिस पे देख रहे हैं अपन, है ना। जैसे ये एल्कोहल था, ये ग्लाइकोल है, ये ग्लिसरॉल है, ये किस पे बेस है, आपके पास नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप। इफ नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप इज वन देन इट इज नोन एज एल्कोहल और मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, ये डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक। ऐसे यहाँ पर बेंजीन रिंग पे अगर एक ओ एच ग्रुप हो तो उसको क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। इफ टू ओ एच ग्रुप आर प्रेजेंट एंड सेकेंड ओ एच ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर हो तो उसको अपन कहेंगे कैटेकोल, मेटा पे हो तो रिसोर्सिनॉल, पैरा पे हो तो उसको अपन कहेंगे हाइड्रोक्विनोन। ओके अगर साथ में सी एच थ्री ग्रुप आ गया OH के बेंजीन रिंग पे, OH प्रेजेंट है बट साथ में सी एच थ्री आ गया, जैसे ये आ गया, सी एच थ्री ओ एच, ठीक है, एक आपके पास ऐसा आ गया, सी एच थ्री ओ एच,
और एक आपके पास ऐसा है CH3OH, that it is known as orthochrysol. Orthochrysol. It is known as metachrysol. It is known as parachrysol. है ना? Means if CH3 group and OH group are present at the benzene ring, then it is known as chrysol. अब OH group की position क्या है? OH अगर ortho पर है तो उसको कहेंगे orthochrysol. Meta पर है तो उसको कहेंगे metachrysol. और para पे है तो उसको अपन क्या कहेंगे? Parachrysol. Orthochrysol, metachrysol और parachrysol. ओके, ये आपके पास जनरल क्लासिफिकेशन था किसका? अल्कोहल और फिनॉल का. इथर का कोई क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि जैसे अगर एक ग्रुप हो तो क्या होगा, दो ग्रुप हो तो क्या होगा, तीन ग्रुप हो तो क्या होगा, ऐसा कोई इथर का क्लासिफिकेशन नहीं है अपने पास, है ना. अब अपन बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की. इसका नॉमेनक्लेचर देखना है, अल्कोहल का, फिनॉल का और इथर. यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं नॉमेनक्लेचर. IUPAC नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेमिंग दोनों पे ही बात करेंगे ना. और आपको ये पता है कि जो अभी तक बातें चल रही थी कि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो ये जो बातें हैं वो प्रीवियस क्लास में अपन देख चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखेंगे तो sp3 और sp2 है ना. और अगर आप क्या देखते हो, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे देखते हो, तो वैसे वहां पे अपन करके आए थे जैसे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, नंबर ऑफ Cl या नंबर ऑफ हैलोजन इज 1, 2, 3, 4 उसके बेसिस पे. तो यहाँ पे भी यही है, 1, 2, 3 आपके पास अल्कोहल हो गया, आपके पास क्या हो गया, ग्लाइकोल हो गया, आपके पास क्या हो गया, क्रिसोल हो गया, आपके पास फिनोल हो गया, आपके पास कैटेकोल हो गया या रिसोर्सिनोल हो गया या बेंजोफिनोल हो गया. तो वो किस पे बेस्ड है? वो नंबर ऑफ OH ग्रुप पे बेस्ड है, है ना. तो सारा क्लासिफिकेशन था किसका? अल्कोहल और फिनोल का. अब अपन बात करेंगे नॉमेनक्लेचर, चाहे अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करें या फिनोल का या इथर का, तीनों का ही नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा इस चैप्टर में अपने को, अल्कोहल, फिनोल और इथर. अब देखो बच्चों, अल्कोहल, फिनोल और इथर की बात करें तो पहले कॉमन नेमिंग में इसको क्या कहते हैं, दोनों पता होना चाहिए अपने को, दैट कॉमन नेमिंग एंड IUPAC. कॉमन नेमिंग एंड IUPAC, एक तो कॉमन नेमिंग और साथ में क्या होना चाहिए, IUPAC. कॉमन नेमिंग भी अगर बात करें तो वो आपके पास अल्कोहल के लिए क्या होगा, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, है ना. कॉमन नेमिंग अगर देखें किसके लिए, अल्कोहल के लिए, अल्काइल अल्कोहल. एल्क क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना. एल्क क्या होगा आपके पास? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अगर IUPAC के लिए देखें तो सफिक्स यूज करते हैं अपन, कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? ऑल. अल्कोहल के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? ऑल. या अपन यू कह सकते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एल्केनॉल, एल्केनॉल, है ना. अब अगर ईथर की बात करें, ईथर, है ना, तो ईथर की नेमिंग कैसे करेंगे अपन, अल्काइल ईथर. कॉमन नेमिंग की बात करें तो क्या होगा, अल्काइल ईथर, क्या होगा, अल्काइल ईथर. और अगर IUPAC की बात करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी, एल्केन, अल्कोक्सी एल्केन, है ना. अल्कोक्सी एल्केन इज द IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर एंड अल्काइल ईथर इज द कॉमन नेमिंग ऑफ ईथर. अल्काइल अल्कोहल इज द कॉमन नेमिंग ऑफ अल्कोहल एंड एल्केनॉल इज द IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल. आपको पता है कि OH ग्रुप हो तो सफिक्स क्या लगता है, हमेशा ऑल लगता है. सफिक्स क्या लगेगा? ऑल. अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, इफ यू हैव एनी कंपाउंड इन विच मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, और अगर OH लेस प्रायोरिटी वाला है तो उस समय OH का क्या यूज करेंगे अपन, प्रीफिक्स यूज करेंगे. और OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्स. प्रीफिक्स क्या होता है OH का अपने पास, हाइड्रोक्स. सर एग्जाम्पल बता दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, दो तीन एग्जाम्पल ले लेते,
सब बात है, 11th की है आपको ही पता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया CH3CH2OH, इससे इजी एग्जाम्पल नहीं होगा, है ना। मैंने कहा इसका कॉमन नेमिंग बताओ, तो कॉमन नेमिंग देखो कितने कार्बन आइटम्स है, वन और टू, टू कार्बन आइटम्स है, तो टू कार्बन आइटम के लिए क्या यूज करते हो एथ, इसको क्या कहेंगे, इथाइल एल्कोहल, इट इज नोन एज इथाइल एल्कोहल इन द कॉमन नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेमिंग सिस्टम में ये क्या होगा आपके पास, इथाइल एल्कोहल। सर IUPAC, तो IUPAC भी चेक कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है IUPAC की। IUPAC मैंने कहा अगर आपके पास ओनली एंड ओनली एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे यहाँ पे OH है, तो उसका हमेशा अपन क्या यूज करेंगे, सफिक्स। अगर उसका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों है तो अपन क्या यूज करेंगे, सफिक्स। हैलोजन की बात कर रहे थे तो IUPAC में उसका हमेशा प्रीफिक्स यूज होता है, बिकॉज हैलोजन का सफिक्स नहीं होता है, बिकॉज हैलोजन को अपन क्या कंसिडर करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। बट यहाँ पे बात करें OH, इसका प्रीफिक्स भी है, इसका सफिक्स भी है, बट इसका प्रीफिक्स कब यूज होगा, जब आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो प्रायोरिटी सीरीज में पहले आता हो, है ना। अगर यहाँ पे ओनली एंड ओनली OH ग्रुप है तो इसका हमेशा क्या यूज करेंगे, अपन सफिक्स यूज करेंगे, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओल, तो इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी, इसकी इथेनॉल। IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी, इसकी इथेनॉल। इथेन आ गया बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, टू। OH ग्रुप आ गया तो इसको क्या कहेंगे, ओल, तो इसका IUPAC नेमिंग क्या होगी, इथेन, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, ये आ गया अपने पास ईथर। अब ईथर की नेमिंग करनी है अपने को, व्हाट इज द नेमिंग ऑफ ईथर। ईथर की नेमिंग अगर देखें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अपने पास कौन सा ग्रुप है, कि सर यहाँ पे मिथाइल। मैंने कहा यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कि सर इथाइल। कॉमन नेमिंग बता रहा हूँ ना, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। अल्फाबेटिक ऑर्डर की बात करें तो पहले कौन आता है ई, उसके बाद कौन आता है एम, तो अपन इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इट इज नॉन एज इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, अब मैं बात करूं इसके IUPAC, वो थोड़ा समझने लायक, बिकॉज IUPAC क्या होता है, ईथर का एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अब एल्कोक्सी एल्केन है तो ऑक्सीजन किस साइड जाएगा, ऑक्सीजन उस साइड जाएगा जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं, ऑक्सीजन वहां चला जाएगा। अब ऑक्सीजन जिस साइड गया है उस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, वन, तो एल्कोक्सी की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। कितने कार्बन एटम है, कैसे टू है, उसे कहेंगे मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन, इट इज नोन एज मिथॉक्सी मिथेन। जहां पर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं उसी साइड में कौन चला जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है ना। जैसे ये आ गया CH3CH2O CH2CH3, दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन आइटम इक्वल है। इफ दोनों साइड अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम इक्वल हो तो अपन क्या कहेंगे, इट इज इथॉक्सी इथेन, इट इज नोन एज इथॉक्सी इथेन। ओके, तो ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। पहले एल्कोहल का मेथड ऑफ फॉर्मेशन, फिर फिनोल का मेथड ऑफ फॉर्मेशन, है ना, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी।